चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री। पार्लिमानी कमेटी आज बैठक लगाएगी। गुज़िश्ता रोज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने नाम भिजवाए थे। पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। एहसन इकबाल सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में अरकान की तकर्री पर मुशावरत होगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती रवैये और अदम तआवुन पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीख करेगी। कमसिन बच्चों के केस से मुतालिक अदालतों के क्याम की मंजूरी भी 10 निकाती एजेंडे में शामिल। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल नकीब महसूद के वालिद इंतकाल कर गए। मोहम्मद खान कैंसर के बायस रावलपिंडी के अस्पताल में जेरे इलाज थे। मैयत टांग पहुंचा दी गई, आज तदफीन की जाएगी। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, कहा इंसाफ फराहमी का वादा पूरा किया जाएगा। आर्मी चीफ की पी एफ वे सरगोधा अहमद, जनरल बाजवा ने F-16 तैयारा उड़ाया, फजा में जंगी महारत दिखाई। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना महारत और जज्बे को सराहा। रोशन सिंध केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। कायम अली शाह आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। साबिक वजीर आला सिंध का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। दादू में 10 साल बच्ची मुबैना तौर पर संसार, आज कब्र कुशाई का इम्कान। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने सिविल जज को अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने बच्ची के वालदैन को हिरासत में ले रखा है। कराची डिफेंस में दुआ मंगी के अगवा को 3 दिन हो गए, बाजियाब ना करवाया जा सका। जख्मी साथी हारिस की हालत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। होटल के वेटर और एनी शाहिद रिक्शा ड्राइवर का बयान भी सामने आ चुका। मुतादिद अफराद ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। लाहौर में काशाना इदारे की साबिक सुप्रिंटेंडेंट अफशान लतीफ को घर खाली करने का हुक्म। वजीर कानून राजा बशारत ने इल्जामात को प्रोपागेंडा करार दे दिया। अफशान लतीफ का तहकीकाती कमेटियों पर अदम एतमाद, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अस्पताल में वैक्सीन नहीं, नन्हे असद के वालिद का एहतजाज। बच्चे को घर ले जाने से इनकार कर दिया, कहा जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगी बच्चे को घर नहीं ले जाएंगे।